Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sunidhi and I hope you all are fine, doing great. And I am also doing great. I know मैंने बहुत दिनों से videos upload नहीं करी थी, so I will tell you the reason. It is because I was not well and मैं hospitalized थी काफ़ी दिनों के लिए, so मैं videos upload नहीं कर पा रही थी. And then I came back to my hometown और वहाँ भी आई वॉज नॉट परफेक्टली ओके टू शूट वीडियोज एंड ऑल. सो ये रीज़न था जो मैं काफ़ी दिनों से वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रही थी. बट नाउ आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू बिकम अ केबिन क्रू एंड वट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बिकम अ केबिन क्रू. मुझसे बहुत लोग इंस्टा में या फेसबुक में पूछते हैं या इन जनरल भी पूछते हैं कि केबिन क्रू बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन. सो आई थॉट कि एक मैं वीडियो ही बना लूँ सो दैट आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो थ्रू मिल सके. सो मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी 12th. आपको 12th पास आउट होना होगा एंड एज आपका 18 और 18 प्लस होना चाहिए. डोमेस्टिक एयरलाइन में 18 इयर्स टू 27 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो. डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, बिकॉज अगर हम इंटरनेशनल फ्लाई करेंगे तो विदाउट पासपोर्ट हम नहीं कर सकते हैं. एंड उसके बाद हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए, 10th और 12th के मार्कशीट होने चाहिए. एंड देन आपके पास टू पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, टू फुल लेंथ फ़ोटो होना चाहिए जो कि आपने एक फॉर्मल अटायर में क्लिक कराया हो. एंड शर्ट आप शर्ट पहन सकते हो विद अ स्कर्ट या फिर आप शर्ट विद अ पैंट पहन सकते हो. एंड देन आप कोट भी ले सकते हो ऊपर से. और आपने या तो बन बनाया हो या फिर आपने पोनीटेल बनाया हो, एक डिसेंट सा मेकअप किया हो, ऐसा फ़ोटो होना चाहिए आपके पास. और आपके पास CV होना चाहिए आपका जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो. एयरलाइन में आपका BMI कैलकुलेट होता है, विच इज़ बॉडी मास एंड इंडेक्स. बॉयज़ के लिए 18 to 25 होना चाहिए BMI और गर्ल्स के लिए 18 to 22 होना चाहिए BMI. आप BMI कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते हो आपका हाइट और आपका वेट, तो आपको पता चल जाएगा आप विद इन BMI आते हो या नहीं. बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि आप एयरलाइन ज्वाइन करने के बाद आप शादी कर सकते हैं या नहीं. सो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, बट एयरलाइन प्रेफर करती है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो वो ज़्यादा पसंद करती है एयरलाइन. स्टार्टिंग में अगर आप इनिशियली ज्वाइन कर रहे हो तो वो कंसिडर अनमैरिड क्रू को ही करती है लेना पसंद. एंड अब जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, 2 years, 3 years के एक्सपीरियंस हो जाते हो, देन यू कैन गेट मैरिड. एंड ऐसा नहीं है कि आप उस एयरलाइन में आपने ज्वाइन करा और 2-3 years के काम करने के बाद अगर आप शादी करते हो एंड देन आप जॉब छोड़ते हो, देन आप किसी और एयरलाइन में ज्वाइन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज आप मैरिड हो. ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, बट इनिशियली अनमैरिड क्रू को लेना पसंद करती है एयरलाइन. और जो क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं कि मेरे फेस में मार्क है, मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ या नहीं, या जा सकती हूँ या नहीं, तो अगर आप उस मार्क को मेकअप से कंसील कर सकते हैं तो आप इसे प्रॉपरली कंसील करके इंटरव्यू के लिए जाइए. बट इफ़ वो फिर भी विजिबल है तो आप इसे एयरलाइन को डिसाइड करने दीजिए कि वो उस मार्क को कंसिडर करेंगे या नहीं, या फिर आपको वो जो कहते हैं आप वो कर सकते हैं. मे बी वो आपको बोले कि आप इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, आपका आप इसे अगर रिमूव करा सकते हो तो ये आपको कह सकते हैं वो लोग. एंड देन आप फिर अगर सेलेक्ट होते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो. बट खुद से ही मत डिसाइड कर लीजिए कि नहीं मेरा मार्क है तो मैं नहीं जा सकता हूँ इंटरव्यू के लिए या मैं रिजेक्ट ही हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है. और क्या क्या लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तो हिंदी और इंग्लिश आपको आनी चाहिए. डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए तो ये दो लैंग्वेज मस्ट हैं. और वैसे तो जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हो तो आपको अनाउंसमेंट्स ने नहीं करने पड़ते हैं, जनरली सीनियर कैबिन क्रू ही अनाउंसमेंट्स करते हैं. बट समटाइम्स मेडिकल इमरजेंसी में या टर्बुलेंस में आपको अनाउंसमेंट करने पड़ सकते हैं. तो आपका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में और इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए दोनों में. और एक एयरलाइन में ज्वाइन करने के लिए आपको हेल्दी होना, फिट होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इनिशियली जब आप जाते हो इंटरव्यू के लिए तो फ्यू राउंड्स होते हैं, उसमें आपका मेडिकल चेकअप नहीं होता है. बट जब आप सेलेक्ट हो जाते होते हैं ना, आपको मेडिकल चेकअप के थ्रू जाना पड़ता है एंड उसमें ओवरऑल हर चीज़ चेक होती है. तो आपको मेडिकली फिट भी होना पड़ेगा अगर आप एक एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं. एयरलाइन किसे हायर करते हैं? अकॉर्डिंग टू मी, जो अप्रोचेबल हैं, जो फ्रेंडली हैं, जिन्हें घूमना पसंद है, जो आउटगोइंग हैं,
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्माइल करते हैं ऑलवेज, बिकॉज स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू. आई होप इस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेरीज के आंसर कवर कर पाई हूँ. एंड अगर आपको फिर भी और कुछ जानना हो या आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं. और अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हो. और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज, एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.